everyone, this is Manti from Evidyati Church Inn. Let's start question number 4, exercise 5.2. Find the value of x in each of the following figures. So this is only the first part, जिसमें हमें x की value find करनी है. और हमें given है कि L और M parallel है. So अगर L और M parallel line है, तो मतलब कि T क्या है? Transversal है. अब हमें यहाँ पे x find करना है. सबसे पहले तो जितनी भी आपके पास ऐसी figures होंगी, उसमें अगर आपको ऐसे कोई एक angle find करना है, तो उसके आपके पास बहुत सारे ways होंगे. ऐसा नहीं कि जो वे मैं कराऊंगी वो ही एक तरीका होगा. जैसे कि मैं भी आपको एक दो बताती हूँ. यहाँ पे हमें एंगल 110 डिग्री गिवन है, ठीक है. अब ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है. दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब ये भी 110 हो गया. और अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं लीनियर पेयर की हेल्प से एक्स फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है. सो ये तो हो गया एक वे. इसके अलावा ये एंगल की हेल्प से ये एंगल इक्वल होगा. ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है. तो ये एंगल आ जाएगा. नाउ ये एंगल और ये एंगल, एक्स और ये वाला एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, मींस इनका सम 180 डिग्री होगा. अगेन मैं एक्स निकाल सकती हूँ. सो दिस मींस के आप इस इन क्वेश्चंस में बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा के वैल्यू निकाल सकते हो. इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इजी लग रहा है या कौन सा आपके माइंड में फिगर देखते हैं जो एक माइंड में आता है, हाँ ये कर सकते हैं, सो वो कर सकते हो. फाइन. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो 110 डिग्री है, इससे मैं सबसे पहले फाइंड करती हूँ जो गिवन है उसके इक्वल हम क्या कर सकते हैं. सो अगर ये एंगल गिवन है 110 डिग्री, सो इसके इक्वल ये वाला एंगल होगा बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. सो आप इसको कुछ नेम भी दे सकते हो. लेट्स नेम इट एज एंगल 1, ठीक है. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है. क्यों ये इक्वल है? बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. सो वी कैन राइट इट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. सो नाउ एंगल 1 मेरे पास आ गया 110 डिग्री. अब इसके बाद एंगल x और एंगल 1 एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, मींस ये एक लीनियर पेयर बनाएंगे. एंड इट मींस के एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री. अगेन रीजन देना है तो हम रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर, ठीक है. सो हमारे पास एंगल 1 है, दैट इज 110 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब अगर आपको एंगल x फाइंड करना है तो यहाँ पे जो 110 है इसको आप इस साइड भेज दोगे. सो ये हो गया एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है. सो लेट्स सबट्रैक्ट दिस. 0 में से 0 होगा, इट विल बी 0. देन 8 माइनस 1 इज 7 एंड 1 माइनस 1 इज 0. सो एंगल x हमारे पास आ गया 70 डिग्री. x हमें फाइंड करना था एंड दैट इज 70 डिग्री. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपके पास ये फिगर है. इस फिगर में सबसे ज्यादा चांसेस है कंफ्यूज होने के, बिकॉज यहाँ पे ये भी दो पैरेलल लाइन जैसे अपीयर हो रहे हैं और L और M तो पैरेलल लाइन है. और अभी तक हम मोस्टली देख रहे हैं कि हम ऐसे वाले यूज करते हैं. सो इस क्वेश्चन में हम क्या गलती कर सकते हैं कि A और B को पैरेलल लाइन समझ लें और इसको ट्रांसवर्सल. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, A और B का हमें नहीं बता रखा. सो L और M पैरेलल लाइंस है एंड ये दोनों A और B हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है. एंड यहाँ पे जो एंगल 80 भी है, इवन वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज अगर आप इसे सिंपल वे में देखो, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये उसका ट्रांसवर्सल है. मैं सिर्फ A वाला ले रही हूँ, B वाले को छोड़ रही हूँ. दिस इज A, दिस इज M एंड L. सो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये उसका ट्रांसवर्सल है. एक्स हमें फाइंड करने के लिए दिया है और ये एंगल हमें 110 डिग्री गिवन है. अब अगर आप इन दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को देखो, तो ये ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला एंगल और पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड वाला. सिमिलरली पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड ट्रांसवर्सल के ऊपर, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल की पोजीशन सेम है. और अगर पोजीशन सेम है मींस वो दोनों कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सो मींस एक्स इक्वल्स टू 100 डिग्री डायरेक्ट गिवन है आपको, ठीक है.
इसमें अगर आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, ये और ये पैरेलल लाइन है यहाँ पे 80 डिग्री की भी गिवन है, तो इसकी हेल्प से मैं ये निकालू वो निकालू, तो उसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंपली इट्स गिवन दैट एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 100 डिग्री, रीजन बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल एक्स हमारे पास आ गया 100 डिग्री. सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है. इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए और बी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, 80 डिग्री भी क्यों गिवन है, इट्स जस्ट टू कंफ्यूज यू. आपको सिंपल देखना है जो पैरेलल लाइंस है, जो ट्रांसवर्सल है, और कौन से आप कौन सा एंगल निकाल सकते हो. सो वी हैव एंगल एक्स इक्वल्स टू 100 डिग्री. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5.